जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर हम अपने आप से बहुत दूर चले जाते हैं। अपने आप से मिलने का सबसे बेहतरीन जगह में से एक है पहाड़, जहां सब कुछ सही, शांति और अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा है और खुद की तलाश में आज मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ नागालैंड और वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट सारामती। हालत एकदम बद से बदतर। और इस सफर में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे दोनों बड़े भाई नजीर और सुनील। हम तीनों को ट्रैकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कभी कभी अपने आप को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाना चाहिए, तो इस बार वही होने वाला है। चांगतुंगिया चलता है, चांगतुंगिया डाइवर्जन पे। वहां तक पहुंचने के लिए तीन रास्ते हैं, दो शॉर्टकट और एक सबसे खराब और लंबा, और गलती से हमने वही रास्ता चूज किया। तो पहले हम लोग पहुंचेंगे अपने घर से आमगुड़ी और वहां से लेंगे टूली वाला रूट। वहां से एक शॉर्टकट है जो सीधा निकलता है मोकोकचोंग। मोकोकचोंग से हम लोग आएंगे जोनोबोतो, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड का। तो जोनोबोतो से हम लोग आएंगे किफ्री की ओर और किफ्री से हम लोग पहुँचेंगे पुंगड़ू, एक छोटा सा टाउन। लेकिन वहाँ से आगे तक का रास्ता गूगल मैप भी नहीं दिखाता है, तो बस इतना मालूम है कि पुंगड़ू से आगे एक विलेज है थानामीर बोल के, तो वहीं तक हम अपनी मोटरसाइकिल्स लेके जा सकते हैं। और पुंगड़ू से थानामीर का डिस्टेंस कितना है, रोड कंडीशन कैसा है, कुछ भी नहीं मालूम। और वहाँ से हम लोग पिछले दिन ट्रैक करेंगे बेस कैंप की ओर और बेस कैंप से हम लोग पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन सारामती। तो अभी हम तीनों हैं मोकोकचोंग के रोड पे और लोंगजंग बोल के एक विलेज है वहाँ पे रेस कैंप है, वहीं पे हम तीनों रुका हुआ है अभी। और हम लोग साथ में अनार लाए थे और वैसे जिस स्टाइल से हम लोग अनार खाते हैं उस तरीके से हम लोग आज अनार नहीं खाएंगे, थोड़ा अलग स्टाइल से खाएंगे। तो हम लोग का अनार अभी रेडी हो गया है खाने के लिए। Thank you. बताओ ये अनार अनार जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसका बाकुली भी साथ में खा रहा है और मेहनत कम है इसमें। बढ़िया है, अच्छा है। It's a lazy man's way to eat a pomegranate, isn't it? सही है? हाँ सही। लेकिन इसमें मजा भी है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं अभी मोकोकचोंग। यहाँ से पंगड़ू दिखा रहा है 177 किलोमीटर, 9 आवर्स 34 मिनट और अभी बज गया है 12:30। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 3:30 तक राइड करेंगे।
दिमापुर से कहाँ जा रहे हैं? एंटायर नागालैंड। अच्छा, हम लोग सारामती ट्रैक कर गए। किफ्री आप गया है क्या? आप गया है? 2008 में गया था। अच्छा, पहले गया था। ठीक है, कहाँ से आए आप? हम लोग जोरहाट, आसाम। आसाम जोरहाट। ठीक है, बाय। ओके, बाय बाय। ठीक है, विजिट करते हैं। हाँ, सेफ जर्नी। जितने भी सोलो राइडर्स होते हैं ना, चाहे वो साइकिलिस्ट हो या मोटरसाइकिलिस्ट हो, सच में मैं उन लोगों को बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ। ग्रुप में तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इस रास्ते, इस जंगल के रास्ते साइकिल लेके, वो भी बिल्कुल अकेले, कम बात नहीं है। और हमने जोनोबुतु में रहने का फैसला किया। खाना भी खुद ही से बनाया ताकि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। तो हम लोगों का खाना अभी रेडी हो चुका है। इसमें है दाल, बटर दाल। दाल फ्राई बन गया ना। ये है सलाद, इसको बोलते हैं आलू की टिका असमीज में। यहाँ पे है भात। बस बढ़िया से सर्व करेंगे और खाएंगे। वेलकम टू द चैनल वंस अगेन फ्रॉम नागालैंड। और अभी हम लोग हैं जोनोबुतु में। कल हम लोगों ने टारगेट किया था कुल्लू पहुंचने के लिए, लेकिन रोड का कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था, हम लोग कुल्लू नहीं पहुंच सके। बात कर रहा हूँ ना, इतना ठंडा हवा आ रहा है, पूरा हाथ सुनोगे। ओके, तो आज का प्लान ये है कि हम लोग अभी निकलेंगे थानामीर के लिए। मतलब आज पूरा दिन मोटरसाइकिल ही चलाना पड़ेगा। और थानामीर पहुंचने के बाद हम लोगों का सेकंड फेज कल सुबह से शुरू होगा, जो कि है सारामती के लिए ट्रैकिंग। और यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रूम का भी शेयर कराएंगे आपको अभी। तो ये है जोनोबुतु का सर्किट हाउस। ओके, तो एंट्रेंस पे ही यहाँ का डाइनिंग हॉल स्टार्ट हो जाता है। और यही भी हम लोग खाना खाए थे। तो हम लोगों ने बुक किया था दो रूम। ये है मेरा और सुनील भाई का रूम, और ये है नज़ीर भाई का रूम, जो एकदम आखिर में है। तो मैं और सुनील भाई थोड़ा एक जैसा बंदा है, इसीलिए हम लोग एक रूम ले लिया। और नज़ीर भाई थोड़ा डिसिप्लिन वाला बंदा है, इसीलिए उसको दूसरे रूम पर दिया। ये मेरा वाला, ये सुनील भाई का, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है ये बेड। उसके साथ में अटैच बाथरूम। और यहाँ पे है बालकनी, अगर इस साइड आए तो। और ये है नज़ीर भाई का कमरा।
क्या कर रहा है? हम क्लाउड्स देख रहे हैं। मैंने अभी ऐसा हो गया ना कि आज मैं ऊपर जमाना है नीचे टाइप हो गया। क्लाउड्स के ऊपर है, वी आर अबव द क्लाउड्स नाउ। वो देख, हाँ वो कैमरा पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर। फिनोमेना सेम मिजोरम में होता है। मिजोरम में जो टूरिस्ट जाता है, जो सभी लोग बाहर से जाता है, ये फिनोमेना देखने के लिए जाता है। तो अगर कोई अच्छा पीक मिलेगा ऊपर से तो वहाँ तक पूरा ये दिख नहीं सकता। ये वहाँ से फ्लो होके ऐसे होके बादल पूरा घूम के ऐसे फ्लो होके जाते, वही देख रहा था सुबह ना। बाकी एकदम माइंड रिफ्रेश ना, माइंड रिफ्रेश। सो विंड्स आर वेरी चिली एंड यू नो स्ट्रॉन्ग विंड्स। वो तो देखो पहाड़ पे आता है तो वर्थ ही वर्थ। अपने प्लेन्स वाले लोगों के लिए पहाड़ पे एवरीथिंग इज वर्थ। कुछ इमरजेंसी की वजह से सुनील भाई अपना सफर यहीं पे ख़त्म करेंगे। आगे का सफर मैं और नज़ीर भाई अकेले ही तय करेंगे। हम तीनों में से सबसे डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस बनने को। यस, इट्स ए क्वाइट ब्यूटीफुल प्लेस, अच्छी जगह है। ठंड ज़्यादा है, हमने जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। It can turn two cricket balls into two table tennis balls. Oh, it's like 1 degree. अभी यहाँ का टेम्परेचर है 3.1 डिग्री सेल्सियस। अभी जो रास्ता मैप पे दिखा रहा है हम उसी को फॉलो करके आ रहे हैं। तो एक आदमी ने बोला कि ये रास्ता रॉन्ग है, आप लोग दूसरे रास्ते से जाओ। अभी हम लोग फिर से लौट के चले आए तो बार बार मैप पहले वाला रास्ता ही दिखा रहा था। तो वहाँ पे जाके किसी को पूछा कि ये रास्ता है, वो एक और रास्ता दिखा रहा था। तो बाद में हम दोनों ने क्या किया, जो मैप पहले वाला रास्ता दिखाया था उसी को फॉलो करके आ रहे। और यहीं पे हो गया हम दोनों का सबसे बड़ा गलती, क्योंकि हम ले रहे थे जंगल वाला रूट। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है पत्थर, ज़्यादा एक्सेलेटर देने से ही व्हील स्पिन करने लग जाता है और थोड़ा अगर गड़बड़ हुआ तो सीधा नीचे। ये रूट पुंगड़ू के लिए जाएगा, क्या बोल रहा है? और बीच बीच में इरिटेट करने के लिए गूगल मैप तो है ही। ये रास्ता नहीं? नहीं, रास्ता नहीं। अच्छा पुंगड़ू के लिए कौन सा रास्ता जा रहा है? हाँ। पुंगड़ू? पुंगड़ू? हाँ। किफ्री? किफ्री नजने मोए कहाँ गए? गिरते गिरते बस गया। वो कैसे भी करके उस ट्रैक पे जाना होगा, इस ट्रैक पे रिक्स नहीं ले सकते। अभी थोड़ा टफ लग रहा है हमको।
टायर चेंज करना पड़ेगा 390 का, ये टायर अच्छा नहीं है। अगर ऐसा रास्ता मिला पूरा रास्ता तब तो आज भी थाना में नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि पुंगड़ू तक अभी दिखा रहा है 118 सिक्स आवर्स, अभी बच गए हैं 10। अरे खाने के लिए बैग में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा खजूर है और एक बोतल पानी भी नहीं है। पानी का कीमत क्या होता है, यही रास्ता हम दोनों को सिखाने वाला था। एक पानी का बोतल भी नहीं मिल रहा है, इतना प्यास लगा है, सब बंद, मतलब पूरा बंद। ऐसे ही नागालैंड को ड्राई स्टेट नहीं बोलते हैं, वैसे भी ड्राई है और ऐसे भी। 2 hours 31 minutes की फ्री 40 kilometers। एक मिनट, पुंगड़ो 4 hours 23 minutes 81 kilometers। एटा काम करो, आमी केफ्री तो पाबोई लागिबो। हाँ रोबा, एटा काम करो, केफ्री पर साइडत एटा रास्ता आछे, तेतिया आमी केफ्री टाउन तो नापाओगे। तेनले मैं पुंगड़ो सेट करि थैछो, पुंगड़ो दुटा रास्ता देखाइछे, केफ्री पुआ आगते एटा रास्ता आछे, एटु दि हुमाइ जाम। 77 kilometers पुंगड़ो नलोनी के अगला रास्ता चलना, सीधा केफ्री जाऊं, केफ्री पर डिसीजन लम बोला। अभी बात यह है कि अभी मुझे डाउट होने लगा है, आज भी हम लोग थानामीर पहुंचेंगे, क्योंकि केफ्री तक अभी भी दिखा रहा है 2 घंटा, बच गया है 153 ऑलमोस्ट टू 4 बजे 5 बजे यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो 4 बजे हम लोग केफ्री पहुंचेंगे। केफ्री से पुंगड़ू, पुंगड़ू से थानामीर कितना डिस्टेंस है मालूम ही नहीं है, मैप में भी नहीं दिखा रहा है। विजयनगर का याद आ गया मेरा रास्ते को देख के। गलत रास्ते आ गया क्या, मैप वहाँ दिखा रहा है, लोकेशन इधर दिखा रहा है, किसी को पूछने के लिए भी नहीं है।
जाके एक दुकान मिला जो खुला था, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे पानी था। एक दुकान खुला मिल रहा है, यहाँ पे शायद पानी बोतल मिल जाए। पानी बोतल मिलेगा क्या? चार बोतल दीजिए। 2 घंटा लगेगा? 1 घंटा था। 1.5 घंटा लगेगा। एक बोतल और दीजिए। सॉरी, एक बाइक पे रख लेते हैं। और खाने के लिए कुछ है क्या? सिप्स लूटा बहन लो सो। So, सुबह 8:30 बजे से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और फाइनली जाके पानी बोतल मिला हमको। पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया है दोनों का। संडे है ना, संडे को नागालैंड तो सब बंद रहता है, इसीलिए मतलब कुछ भी खुला नहीं। तो फाइनली अभी थोड़ा सा खजूर, थोड़ा सा पानी और उसके बाद किफ्री। और किफ्री का रोड कंडीशन अभी जैसा देखा वैसा ही है। तकरीबन यहाँ से 2 घंटा लगेगा और मुझे ऐसा लगने लगा है शायद आज भी हम थानामीर नहीं पहुँच सकेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और राइडिंग में हाइड्रेशन बैग कितना ज़रूरी होता है ये आज हम दोनों ने सीखा। तो हम अभी है किफ्री में और आज यहाँ रुकने का फैसला किया हम दोनों ने। तो अभी पीछे जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है टूरिस्ट लॉज किफ्री। तो आज यहीं पे रुकेंगे। यहाँ से पुंगरू का डिस्टेंस 2 घंटे का था, लेकिन रोड कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए हम दोनों ने आज यहीं पे रुकने का फैसला किया और आज यहीं पे रुकेंगे। उसके बाद कल सुबह एकदम जल्दी से जल्दी थानामीर पहुंचेंगे और कल ही बेस कैंप पहुंचने के लिए ट्राई करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो डेस्टिनेशन है सेरामाटी पीक, वो यहां से भी दिखाई देता है। मैं दिखाता हूं आपको।
ओके, तो यहाँ से थोड़ा दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो पीक है, तो यही है सेड़ामाटी पीक। और कल सुबह हम इसी के लिए निकल रहे हैं। हाँ, तो कहाँ जा रहा है अभी? थाना में से सेड़ामाटी जाएगा, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। आपका वीडियो? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। आप पराठा, सब्जी और ऑमलेट के लिए बोल दिया है अभी। फैंटास्टिक। रोड कंडीशन कैसा था? या गुड फॉर अस, एडवेंचरस, क्वाइट एडवेंचरस। और यहाँ आके अभी मालूम पड़ा है, हम लोग जिस रूट से किफ़री पहुँचा, जुनूबुटू से किफ़री, वो रूट मेन रूट नहीं है। अभी गूगल मैप ने दिखा दिया तो हम लोग चले आए, लेकिन अच्छा रूट अलग जगह था। और ये है वो होटल जहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट किया। छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, सब कुछ मतलब पूरा ऑर्गेनाइज है और प्योर वेज है। तो आप अगर कुमरू पहुँचे तो हमारी तरफ से तो फुल रिकमेंडेड है, यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। सर, यही थाना मीर है। थाना मीर। हाँ, थाना मीर किफ़री टाउन से तकरीबन 83 किलोमीटर दूर खोंसा सर्कल के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है, जो फेमस है अपनी कश्मीरी एप्पल की वजह से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पे एप्पल मिलता है और एप्पल के बड़े बड़े खेत हैं यहाँ पे। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं थाना मीर, और यहाँ पे आते ही यहाँ के लोगों का हॉस्पिटैलिटी देख के मैं मतलब बिल्कुल हैरान हूँ। और हम लोगों को यहाँ पे चेयरमैन, गांव के जो चेयरमैन हैं, तो वहाँ पे जो मैडम है, मैडम ने हम लोगों को चाय के लिए भी अभी पूछा है, तो अभी चाय पियेंगे और मैडम से भी आप सबको मिलाएंगे। और चाय पीते पीते हमने यहाँ के एप्पल के हिस्ट्री के बारे में पता लगाया। बात यह है कि 1970s में इंडो नागा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यहाँ के विलेज गार्ड को 3 एप्पल का पौधा असम राइफल के एक जवान के द्वारा दिया गया एज ए टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, और तभी से यहाँ पे एप्पल कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। आज के दिन थाना मीर को एप्पल विलेज ऑफ नागालैंड के नाम से भी जाने जाते हैं, और हर साल सितंबर के महीने में एप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो काफ़ी फेमस है। ट्रैकिंग के लिए हमें 2 पॉटर और 2 गाइड लेना पड़ेगा। 2 गाइड इसलिए ताकि मैं और नज़ीर भाई में से अगर कोई इंजूर हो गया तो दूसरे को अपना ट्रैक कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े। अभी गाइड और पोर्टर से बातें कर रहे हैं, बैक में आप लोग देख सकते हैं, और कितना खाना लेके जाना पड़ेगा, उनका चार्जेस कैसा होगा, तो वही सब डिस्कस कर रहे हैं। और पूरा सामान का शॉपिंग आज ही मतलब अभी कर लेना पड़ेगा, और क्योंकि सुबह जल्दी हम लोग का ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगा। शॉपिंग करके हम दोनों चले आए गेस्ट हाउस पे, और वहाँ के किचन पे खाना भी खुद ही से बनाया।
तो अभी हम लोग का खाना रेडी हो गया है, टिन फिश। तो ये है टिन फिश, चटनी, प्याज, बस। ओके, कैसा है चटनी? चटनी चटनी इसमें डाला है किंग चिली, डिफरेंस पूरा एक चिली, चलो क्या वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली। बहुत ज्यादा तीखा है चटनी, बहुत ज्यादा। कल रात को ही भात खाया था, अभी मिल रहा है खाना फिर से। बहुत साल पहले यहाँ बसा लोगों का पूर्वज यौखिक इन्हीं ऊंची पहाड़ियों में शिकार के लिए निकले और सबसे ऊंची पहाड़ के चोटी पे उन्हें एक भयंकर आग का देर दिखाई दिया। पास जाके देखा तो मालूम चला वहाँ तीन बड़े ब्लेजिंग पत्थर ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई आग जलाने वाला हो। तभी से उस ऊंचा पर्वत को यहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज में मेडाम खान भोंग नाम से बुलाने लगा, जिसका मीनिंग है ब्लेजिंग माउंटेन। साल 1948 पहली बार मेराम खांग भोंग पे ऑफिशियल विजिट दिया गया। मेजर आर काथिंग और दो पॉलिटिकल ऑफिसर श्री हजारिका, श्री केजोंग और उन तीनों के गाइड थे श्री सी हांसी की, जो कि एक लोकल है और थानामीर से बिलोंग करते हैं। बहुत तकलीफ और कठिनाइयों के बाद जब वो तीनों पीक तक पहुंचे तब तारीफ में मेजर आर काथिंग के मुंह से दो हिस्टोरिक वर्ड निकले उनके गाइड श्री सी हांसिकी के लिए, रंग खांग मीन्स स्टीप हिल्स। तभी से लोकल गाइड सी हांसिकी को यहाँ के लोग बाबा रंग खांग के नाम से जानने लगे, जो कि सारामती और थानामीर की इतिहास का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और उसी दिन मेजर आर काथिंग ने उस ऊंचा पर्वत को नाम दिया सामती, जिसका मतलब है प्रभावशाली सुंदर पर्वत। और टाइम के साथ साथ सामती हो गया सारामती और आज के दिन यही ऑफिशियल नेम है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन फ्रॉम थानामीर नागालैंड। आज है डे 4 और हम लोगों का जो टफ फेज है वो आज से शुरू होने वाला है। तो अभी 7:30 को हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे और वो लोग अभी आते ही होंगे। जिस जोश से मैं घर से निकला था ट्रैकिंग के लिए वो जोश अभी थोड़ा सा कम होने लगा है, क्योंकि 3 दिन पूरा ऑफ रोड करने के बाद बॉडी थोड़ा पेन करने लगा है अभी। लेकिन ये पीक कंप्लीट करना ही है, तो आज हम लोग निकलेंगे बेस कैंप के लिए और कल सुबह बेस कैंप से पीक के लिए। तो और पीछे जो घर आप लोग देख रहे हैं ये है थानामीर गेस्ट हाउस। यहाँ पे ही कल हम दोनों ने रात बिताया और आप लोगों को रूम का शेयर कराएं और यहाँ का सराउंडिंग भी आप सबको अभी मैं थोड़ा दिखाने वाला हूँ। तो चारों ओर पूरा पहाड़ ही पहाड़ और बीच में है हमारा गेस्ट हाउस। तो चलिए गेस्ट हाउस के अंदर चलते हैं। और गेस्ट हाउस के बगल में ही है एक किचन जहाँ पे आप अपना खाना वाना खुद पका सकते हैं। वैसे तो कल रात आप लोगों ने देखा ही है किचन। ये नज़ीर भाई अभी चाय बना रहे हैं और ट्रैकिंग के लिए अंडा भी बॉईल कर रहे हैं। तो उसके बाद
हम लोगों ने अपना बाइक यहीं पे रखा और आज यहीं पे छोड़ के जाएंगे मोटरसाइकिल। ये है एंट्रेंस और शायद करंट चला गया है अभी, तो यहाँ पे हमने लगेज रखा और ये है हम लोगों का बेडरूम। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो आज क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं वो सब रेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे सब रूम का डिटेल्स लगा हुआ है, अगर कोई आना चाहे तो पोज करके देख सकते हैं। और रूम से बाहर निकलते ही फिर से आप लोगों को दिखाई देगा बहुत ही अच्छे और खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ियाँ चारों ओर। और आप लोगों को शायद मालूम ही होगा थानामीर को नागालैंड का एप्पल विलेज भी बोलते हैं। तो ये जो सब पेड़ आप यहाँ पे देख रहे हैं ना बिना पत्ते वाला, ये सब कुछ एप्पल का पेड़ है। वो भी ये भी ये सब कुछ एप्पल का पेड़ है। पूरा चारों ओर एप्पल का बागान ही बागान है यहाँ पे। तो अगस्त सितंबर में यहाँ पे एप्पल उगता है और एप्पल फेस्टिवल सितंबर के महीने में ही होता है। तो यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट सीजन मेरे हिसाब से वही होगा। तो चलिए अभी चाय पीते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो यहाँ पे एक सोलर का ये कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है, मालूम नहीं क्या है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से 24/7 आपको गर्म पानी मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर खोलते हैं इसे पूरा गर्म पानी है अभी। चलिए अच्छा हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को स्पेशली दिखाना चाहूँगा, ये जो खाना बनाने का ये जो स्टोव या कुछ बोल सकते हैं नेचुरल जुगाड़, तो कितना अच्छा से बनाया है ये देखिए। तो ये पहले ये सीमेंट का ये पोस्ट बनाया, उसके बाद बीच में तीन लोहे का पाइप दे दिया, बीच वाला छोटा है, और उस साइड में फिर से एक सीमेंट का पोस्ट। और यहाँ पे आप जितना चाहे मतलब बटन एक साथ दे सकते हैं, और लकड़ी देने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, कुछ भी साइज़ का लकड़ी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब घर में गीज़र सिलेंडर गैस ये सब का कुछ मतलब काम ही नहीं है ये अगर घर में बना लिया तो। स्पेशली मैं और नज़ीर भाई अभी सोच रहे हैं घर जाके ऐसा एक सेटअप दोनों अपने अपने घर में लगाएंगे ताकि बिजली का भी थोड़ा बचत हो जाए। क्यों नज़ीर भाई? हाँ, पहले तो ऐसे ही था हम लोगों का भी, लेकिन आजकल क्या हो गया मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, नज़ीर भाई नागालैंड में ही बड़े हुए हैं, उनके पापा नागालैंड में ही टीचर थे, तो उनका बचपन मतलब ज़्यादातर हिस्सा नागालैंड पे ही बिता हुआ है। क्यों नज़ीर भाई? सो आई एम क्वाइट फैमिलियर विद द नागा पीपल एक्चुअली इन द सिस्टम ऑफ नागालैंड। दे आर वेरी गुड। आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू स्पीक अबाउट द नागास, बट दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड पीपल। एंड आप जैसे आप अच्छे रहेंगे तो आपके लिए जान भी रहेंगे। हम लोग जैसे आए बस्ती में तो वी आर स्ट्रेंजर्स ना, तो हम लोगों को चाय पिलाया, बस्ती के चेयरमैन की वाइफ ने बुलाया, चाय पिलाया, वेलकम किया हम लोगों को। वही सबसे टफ फेज तो ऐसे शुरू होने वाला है। और कॉन्फिडेंस तो थोड़ा कम है क्योंकि 3 days हम लोग कंटिन्यूस ऑफ रोड, 10 hours लास्ट डे 7 hours पूरे ऑफ रोड। तो हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हमारे सारे दोस्त भी पहुंच चुके हैं। माने माय नेम इज चितमो, टुडे आई एम गोइंग टू गाइड, आई एम फ्रॉम थानामीर विलेज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर इनसुबा। और मैं स्पेशली इनसुबा के बारे में बोलना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा लड़का है, बेस्ट गाइड बोल सकते हैं, थानामीर में मेरा छोटा भाई है। आई एम टुडेस गाइड and my age is 18. Thank you.
अभी ट्रैक स्टार्ट किया हुआ, बस 5 मिनट ही हुआ है। इतना खड़ा चढ़ाई है। Sky, here's the tarzan of Saramati. See, we have two very handsome guides. They are accompanying us all the way. Chalo, chalo, chalo. यहाँ तक जितने भी लोग आए हैं अभी तक, सबसे स्लो हम ही आ रहे हैं शायद। हमसे भी स्लो है क्या? हाँ, है। चलो थैंक गॉड। अरे यार, एटलीस्ट ऐसी जगह पे आके ये सब नहीं फेंकना चाहिए, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है ना। वहाँ पे देखिए पैकेट, यहाँ पे देखिए पैकेट, तो किसी जगह पे ले जाके डस्टबिन में फेंक देना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, गलत बात है। सारे पिसोलों से मैं जब छोटा था तब डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था, मैन वर्सेस वाइल्ड। उसमें एक हीरो था बियर ग्रिल्स, ज़्यादातर लोगों को मालूम ही होगा। तो बियर ग्रिल्स जब एडवेंचर पे जाते थे तो आग जलाने के लिए एक पेड़ के एक छाल का इस्तेमाल करते थे, उसको बोलते थे बुढ़े के बाल। मुझे अभी भी पूरा याद है। तो बुढ़े के बाल हमको यहाँ सैरामटी पे मिल गया है, आइए दिखाते हैं आप सबको। तो देख सकते हैं ये बुढ़े के बाल जैसा। तो आग जलाने के लिए ये सबसे बेस्ट है, एकदम ड्राई रहता है, स्नो पे भी एकदम ड्राई रहता है। बस माचिस का तीली लगाया और आग जलना शुरू, पूरा भरमार है यहाँ पे। जंगल में, जंगल में।
ये 20-20 में ये 20-20 में टार्जन चिल्ला के अपने झुंड के बाकी लोगों को मतलब सिग्नल देता है कि मैं जिंदा हूँ अभी अभी दे रहा है रेस कैंप नंबर 2 ब्रेकफास्ट ना वो जो पीक दिखाई दे रहा है स्टिक के एकदम ऊपर वो है माउंट सारामती और हम लोगों का बेस कैंप इस पहाड़ी से नीचे पहले तो सब कुछ हंसी मजाक में ही चल रहा था लेकिन टाइम के साथ साथ अभी ये ट्रैक बहुत ही टफ लगने लगा है और मन में सवाल आ रहा है क्या हम दोनों पीक तक पहुंच पाएंगे पूरा 3 बज गया है 8 बजे से ट्रैक कर रहे हैं लिटरली कलेजा फट के हाथ में आ गया अभी बिलीव नहीं करेंगे 2-3 स्टेप्स भी चला नहीं जा रहा है बाप रे इतना स्टीफ माउंटेन बाप रे शायद इस बार हम लोगों ने पंगा ले लिया অলপ আছে নেকি হাত পেবি পুরা ছালে পাবি অকমান আছে মই দেখা তুমিয়ে খাই দিয়া আর অভি তক বেস ক্যাম্পই নেই পৌঁছায় कैसे करेंगे
Completed. तो अभी बजा है 4:30 और बेस कैंप दिखा है हम लोगों को, वहाँ पे छोटा सा आप लोग देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के लिए भी आई थिंक हाफ एन आवर तो लगेगा। तो इट्स 4:49 एंड finally we have reached the base camp. Meters elevation. This camp. T. Thank you so much, brother. Thank you so much. Thank you so much. और चाय इतना टेस्टी होता है उस दिन मुझे मालूम चला। बोल सकते हैं जिंदगी का सबसे बेहतरीन चाय मैंने आज पिया। तो अभी बात यह है कि मैं और नज़ीर भाई ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ट्रैक पे जाएंगे या नहीं जाएंगे पीक तक, क्योंकि पीक तक जाने के लिए लगता है 3.5 घंटा, आते हुए लगेगा 3.5 घंटा, मतलब 7 घंटा यहाँ से पीक तक आना और जाना। फिर यहाँ से हमको थानामेर भी पहुँचना होगा, जो कि हमने आज स्टार्ट किया था 8 बजे और अभी 4:54 को हम पहुँचा, मतलब तकरीबन 9 घंटा 9 घंटा और 7 घंटा 16 घंटा 16 घंटा कल ट्रैक करना पड़ेगा। अभी चाय पी लेते हैं। डियर खान मारिले फाइन আছে এটো সাইডটো মারিলে ভি ফাইন আছে এইটো সাইডে মারিলে ভি ফাইন আছে ডিয়ার খান আচ্ছা ডিয়ার ইজ নট এলাউড ফর হান্টিং तो यहाँ पे आग लगा हुआ है और यहाँ पे मैं सो जाऊंगा ये जैकेट पहन के यहाँ पे, लेकिन सारा रात आग जला हुआ होगा और यहाँ पे सो जाएंगे नज़ीर भाई। तो ये है नज़ीर भाई का बेड और यहाँ से निकल के अभी बेस कैंप का बेड दिखाते हैं आप सबको। ब्रदर घुमाई से तो बेस कैंप बोले तो बस यही है।
बस घास बिछाया हुआ है यहाँ पे, तो यही पे आप अपना स्लीपिंग बैग ये सब डाल के सोना पड़ेगा। और ये लोग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है हम दोनों के लिए, तो ये मेरा स्लीपिंग बैग और बाकी दोनों बहुत और ये नजीर भाई का। थैंक यू ब्रदर, बहुत गर्म है ना। चलो आपको अच्छा लगा तो हम भी खुश हैं। So it's 2 a.m. in the morning and temperature is minus 0.4 degree Celsius. और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं पीक के लिए। मौजास चलो यू कैन डू इट। चलो अस्ति चौकी यू कैन डू इट। एक नब तो अस्ति चाहिए इफाले सीता चौ तो इतना ठंडा है क्या बोले, नाक से ऑटोमेटिकली पानी निकल रहा है मेरा। चलो ब्रदर जैसे जैसे पीक की ओर बढ़ रहे हैं यहाँ ठंड काफी बढ़ गया है और हम दोनों ने आग जलाने की बहुत कोशिश की लेकिन आग नहीं जली। तो अभी आप लोगों ने देखा सनराइज और ये है हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। फिजिकल से ज़्यादा आपको ये स्ट्रांग होना पड़ेगा, शायद किसी के लिए ये ट्रैक बहुत आसान हो
लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं था और मैं ये ट्रैक ये पीक डेडिकेटेड करना चाहूँगा आसाम द पीपल ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट नागाचारी एंड माय फैमिली माय वाइफ रोजलिन माय पेरेंट्स नज़ीर भाई सुनील भाई एंड एट लास्ट दैट गाय कम प्लीज कम यही वो बंदा है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया थैंक यू सो मच ब्रदर चलो तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड है हाथ बिल्कुल सुन पड़ गया है टेम्परेचर है -5 degrees Celsius और ऑल्टीट्यूड 12,600 दिखा रहा है तो ऑल्टीट्यूड सही दिखा रहा है ये यहाँ का बॉर्डर है देख सकते हैं ये पोस्ट के इस साइड इंडिया है और इस साइड म्यांमार है आप लोग देख सकते हैं म्यांमार लिखा हुआ है यहाँ पे म्यांमार के लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल रुक नहीं सकते इतना ठंडा है बस 5 मिनट्स में पूरा उंगली जम गया है तो अभी पीक से हम लोग ऑलमोस्ट 200 से 250 फीट नीचे आ गए हैं क्योंकि वहाँ पर रुकना बिल्कुल ही ना हो मुमकिन है मैं अभी भी ठीक से बात कर नहीं पा रहा हूँ मेरा मतलब लिप्स ठीक से काम ही नहीं कर रहा है मेरा हाथ भी बिल्कुल सुन पड़ गया इतना ठंडा मैंने कभी फील किया नहीं मैं नेगेटिव पे कभी गया नहीं अभी भी बात ठीक से कर नहीं पा रहा तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा आप लोग बैक में ये जो पेड़ ये सब देख रहे हैं ना डेड ये डेड है और सबसे बड़ा बात यह है कि ये तकरीबन 100 साल से वैसे ही है गिरा भी नहीं है मतलब कहीं कहीं एक बार एक दो पेड़ ऐसे गिर गया है लेकिन तकरीबन 100+ years अकॉर्डिंग टू माई गाइड तो ऐसे ही खड़ा हुआ है मिस्टीरियस है ना चलो जल्दी से निकलते हैं चलो तो अभी पूरा 10 बज गया है हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2 बजे से तकरीबन 8 घंटा ट्रैक किया और अभी जस्ट आके बेस कैंप पहुंचे हैं और ये लोगों ने भात और दाल और एक चटनी बना के रखा हुआ है अभी इसको खाएंगे और कल मैं यहाँ पे छोया ना आग जब तक जला हुआ है तब तक ठीक है जैसे ही आग थोड़ा सा कम होने लगा मतलब ये सब शेड से इतना ज़्यादा मतलब ठंडा हवा आ रहा है बना नहीं सकते आप लोगों को बस जैसे तैसे 1 या 1.5 घंटा ही छोया है कल
So we did Mount Saramati yesterday. ऐसा लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लाइम किया माउंटेन का जो फर्स्ट क्लाइम उसके बाद लगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अब मैं फिर से जाऊँ माउंट सेरेमनी आई एम नॉट टायर्ड एट ऑल और जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था वो बूस्ट हो गया है और मुझे एक नया स्टार्टअप मिला है गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन फ्रॉम थानामिर नागालैंड तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अंदर से क्योंकि हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और मैं कुछ स्पेशल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ थानामिर विलेज स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17/1/24 को मैं अकीब अली माउंट सारामती क्राउन ऑफ नागालैंड ये कंप्लीट कर लिया है तो इट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी और ये आप सब के लिए है जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है ये सब के लिए है और मैं बताना चाहता हूँ मेरा जो कंफर्ट जोन है ना वो मोटरसाइकिलिंग है ट्रैकिंग मेरा कंफर्ट जोन है ही नहीं लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया वो बोलते हैं ना कभी कभी अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा साइड पे लेके जाना चाहिए तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया और जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे से मैं इसे कंप्लीट कर लिया बहुत ही टफ था मेरे लिए हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ही इजीली कर चुके होंगे दो बार तीन बार चार बार कर चुके होंगे लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है तो फिलहाल सारामती जो मैंने प्लान किया था वो कंप्लीट कर लिया हूँ अभी दूसरा प्लान है आगे के लिए और अभी हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगा तो यहाँ से हम लोग जाएंगे कोहिमा और कोहिमा से कल घर तो फिर से नहीं बोलूँगा बहुत जल्द ही मिलेंगे क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं हूँ थैंक यू टेक केयर एंड ओवर एंड आउट जाओ हाय बेटा एक तो हरू गिफ्ट लो भी ना आई भी ना মই খান লাগে তোমাক দিবলৈ এইটোৱে আছে তো থেংক ইউ ফৰ এভৰিথিং হা ইয়াত ৰাখেংগে ফোন কৰ না আৰু না এপল খাম দে আইবি না একদম দি তোমাক খাম ভাল ভাল খাম গুৰা আমি শ্যৰ শ্যৰ ব্ৰাদাৰ টেক কেয়াৰ হা ৰাস্তা চাই হা